नहीं बनी हो, आपके साथ में हमने फेरे लिए लेकिन अभी आपकी मांगनी नहीं बनी। तो आप पूछिए क्यों, हमसे पूछिए क्यों। ये लड़की कह रही है कि आज के बाद आप जो भी आय व्यय व्यापार नौकरी चाकरी देश विदेश जो भी करेंगे गौ पालन सारी चीज में हमें अवगत हो, हमें मालूम हो, हमको बता करके करेंगे तब तो मैं आपकी मांगनी बनूं। ये बात आपको मंजूर है? दूसरी बात, ये लड़की कह रही है कि आज के बाद आप कहीं के यज्ञ धर्मशाला बावड़ी तालाब कुआं ऊपर वाला करे कि आप बड़े बड़े तालाब बड़े बड़े कुआं धर्मशाला बनवाए, यज्ञ का काम जो भी आप करेंगे उसमें हमें अपने दाहिने भाग में लेकर के करना स्वीकार करें तब तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं। ये बात आपको मंजूर है? मंजूर है। तीसरी बात इसकी कह रही है, ये कह रही है कि आज के बाद हमारे से कोई छोटी कन्या दिखेगी तो आपकी बेटी के समान होगी, हम जैसे कोई दिखेगी तो आपकी बहन के समान होगी और बड़ी बूढ़ी कोई दिखेगी तो माता के समान होगी। ये बात आपको मंजूर है? हाँ बोल जल्दी। तब तो मैं आपकी अर्थांगिनी करूँ। चलो भाई, पर ने तो बिल्कुल मंजूर कर लिया। ये भी कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मध्यान्ह और कुद्यपाने से दोपहरी में रात्रि में बाग बगीचा तालाब कुआ बावड़ी जहाँ शराब की दुकान हो, जहाँ दसों इकट्ठा हो, जहाँ नाच नृत्य हो रहा हो, वहाँ कभी अकेले न जाओ तो मैं अपनी मांगनी बनाऊँ। ये बात आपको मंजूर है? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आज के बाद मेरे घर पे आए हुए मेहमान गेस्ट अतिथि हमारे माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार को कभी इसी कड़ी बात बोल के दुखी नहीं करोगे, उनका सेवा भाव करो तो मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊं। ये बात आपको मंजूर है? तीसरी बात इनकी कही है, ये कह रहे हैं कि आज के बाद भैया दूज और रक्षाबंधन के दिन हमारे से बगैर पूछे, हमारे परिवार से बगैर पूछे आप अपने भैया के घर माँ के घर जाओगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्यथा जब तक कोई लेने नहीं आएगा मायके नहीं जाओगी तब मैं अपनी मांगनी बनाऊंगी। ये बात मंजूर है? बोलो बोलो। हाँ बोलो, तो उसका हम आपको बताएंगे क्यों ऐसा क्यों पूछा जाता है, मैं बताऊंगा। बोलो। देखो बड़ी अच्छी बात आपने कहा, ये कब किया जो कि इसके लिए मैं विश्लेषण कर दे रहा हूँ, मैं कहा नहीं करता एनालिसिस करना मतलब आप हम आप मनुष्य हैं, भगवान शंकर